दादरी शहर की काठ मंडी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के गेट नंबर 4 को शिक्षा अधिकारियों के आदेश पर प्राचार्य द्वारा बंद करने पर छात्राओं ने नगर पार्षदों के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा। गेट बंद करने से गुस्साई छात्राओं ने गेट पर प्रदर्शन करके नारेबाजी की और गेट का ताला तोड़ दिया। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि नियम अनुसार ही गेट पर ताला लगाया गया था। ताला तोड़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। हम यहाँ से छठी क्लास से पढ़ रहे हैं और प्लस टू में हो गए हैं। हम इसी गेट से आते जाते हैं, अभी बंद कर दिया गया है और यहाँ से दिक्कत होती है। ये लंबा पड़ता है और तब हम जाते हैं अदर स्कूल के कॉलेज के बच्चे मिलते हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं तथा उन्हें लेने में हमें दिक्कत होती है, निकला नहीं जाता। तो ये गेट खुलवाओ वो जल्दी घर पहुँचा जाता है और दिक्कत नहीं होती, आराम से निकलते, धूप नहीं लगती, थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं घर, वहाँ से दिक्कत होती है। ऐसा है, आज सभी पार्षद यहाँ गवर्नमेंट सीनियर गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इकट्ठे हुए और वो इस विषय को लेकर इकट्ठे हुए थे कि पिछले 4 दिन से यहाँ डीओ साहब ने एक गेट है यहाँ पीछे से जाने के लिए, जो कि शहर के 70% जो आबादी है, जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं उसी गेट से जाते हैं, और उसको डीओ साहब ने और एक मथुरा प्रसाद ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मिल कर आपस में मिली भगत करके और उसको ताला लगा दिया। और लगातार 2 से 3 दिन उनका इंतज़ार करने के बाद जो है सभी पार्षद भाई इकट्ठे और ताले को हमने तोड़ दिया है और इनको स्पष्टतम शब्दों में ये बोल दिया गया है कि अगर आप दोबारा आप इसको गेट को लॉक करोगे तो हम यहाँ धरना देंगे, आंदोलन देंगे, इस गेट को हम कतई बंद नहीं होने देंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। और वो क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से, कई सालों से ये गेट यहाँ लगा हुआ है और गली भी है। अगर प्रशासन को ये अवैध लगता था तो पिछले 50 साल से प्रशासन कहाँ था? अब हमारे को ये लगता है के भूमाफिया के साथ माननीय डीओ साहब मिले हुए हैं, जिसका ये भुगतान जो है छोटे छोटे हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। से भी दूंगा और डिस्कस करूंगा आज की कार्रवाई से, उनको अवगत भी करूंगा। मुझे तो राजनीति तो आती नहीं, मुझे तो नियम के अनुसार कार्य करना आता है और नियम के अनुसार ही मैंने आदेश जारी किया। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मेरे आदेश के अनुसार तो गेट बंद है जी सर। मैंने आदेश तो ये दे रखे हैं कि हम किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी में से आवागमन का रास्ता ना बनाए। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।